Next junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. कहिए सर, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? वो एक्चुअली मुझे लिपस्टिक देखनी है. सर किस कलर में चाहिए? पिंक. सर आप यहाँ देख लीजिए. मुझे सिर्फ पिंक कलर चाहिए. सर ये पिंक ही है. इतने सारे पिंक? जी सर. सर ये पिंक में अलग अलग शेड्स हैं. अच्छा. ये देखिए ओरल पिंक, ये रोज पिंक, ये शॉकिंग पिंक. शॉकिंग? इतने सारे कलर आप दिखाएंगे तो कोई भी शॉक हो जाएगा. देखिए आप मुझे एक नॉर्मल पिंक कलर दिखाइए ना. वो इस तरह से कस्टमर को आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. एक्सक्यूज मी, मुझे प्रीवियस पिंक शेड में एक पिंक कलर की लिपस्टिक दिखाइए. या आप एक काम करिए, लिपस्टिक रहने दीजिए, मुझे नेल पेंट दिखाइए. आप इधर आ जाइए. एक्सक्यूज मी सर, नेल पेंट देखनी है. नेल पेंट? सर ये नेल पेंट ही है. ये देखिए सर, ये सेट्स लेडीजों को बहुत पसंद आता है. ये क्या कर रही हैं आप? पूरा हाथ गंदा कर दिया. ये तरीका है कस्टमर से बिहेव करने का? एक काम कीजिए, परफ्यूम है आपके पास? यस सर. दिखाइए. ये देखिए सर, ये लेवेंडर, ये एक्वा और ये जैस्मिन. आपको कौन सा चाहिए? ये देखिए सर. ये क्या बदतमीजी है? आपके कस्टमर को आप इस तरह से परफ्यूम दिखाते हैं? जो कस्टमर कॉस्मेटिक के शॉप में आके इस तरीके से बिहेव करता है उसे हम ऐसे ही दिखाते हैं. मतलब ये कि अगर आपको किसी चीज की खरीदने की समझ नहीं है तो आपको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, या फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आना चाहिए. एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बीबी के लिए खरीदने आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है. ओह, तब तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, बेचारी. रखिए आपका परफ्यूम आपके पास, नहीं चाहिए मुझे. कुछ बातें छुपा रहे, तुझे बता नहीं रहे, तो तू जाकर खुद बात कर लेना उनसे. जिगना तू क्या चुपचाप बैठी है? तू बताना इससे, बोलना इसको. मैं क्या बोलूं यार, देखो मुझे लगता है कि हम लोग जो भी समझ रहे हैं ना, गलत समझ रहे हैं. अरे तुझे अभी भी यही लग रहा है कि हम जो समझ रहे हैं वो सब गलत है? तुझे और कितने सबूत चाहिए यार, तूने सुना नहीं अमित ने क्या कहा? हाँ लेकिन जीत ने ये कब कहा कि वो तुझे छोड़ना चाहते हैं? और जैसे वो तुझे देख रहे थे, गिल्ट था उनकी आंखों में, प्यार था, जो तुम दोनों इडियट्स को नहीं दिख रहा है. अरे जुबान कुछ भी कहे लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती. सच्चे इंसान की जुबान भी सच बोलती है, आंखें. तो ठीक है, तू अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार कह दे कि तुझे पूरा यकीन है कि जीत तुझे धोखा दे रहे हैं. वो धोखा दे रहे हैं, दिल पर हाथ रख. हेलो,
तू क्या स्माइल दरबार बन रही है? बहुत हंसी आ रही है, हंसाऊं तुझे? वो कितना भी नाराज हो ले, लेकिन सच तो यही है कि तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुझे शक कर रही है ना, देखना ये सब गलत निकलेगा। ये सब सही है जिग्ना। अमित मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। चल। अम्मो। लड़कियों के लिए शॉपिंग करना सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल। सिर्फ पिंक कलर के 2000 से भी ऊपर शेड होते हैं। तुझे पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। आज पता चला कि 2000 शेड होते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम बाजार जाकर लेके आते हैं, लेकिन ये लड़कियां बाजार जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या चाहिए। ये ले, तू अमिता को ये गिफ्ट दे दे। तकिया? अगर अमिता मुझे तकिया के साथ देखेगी तो क्या कहेगी? यार तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ये तकिया नहीं आयशा टाकिया है। बहुत ही गंदा था बटू। तू इधर दे, मैं तू गिफ्ट अमिता को दे दे, आलिया जाएगा अच्छा नहीं लगता। 2 किलो आलू लेकर जाऊंगा लेकिन ये तकिया लेकर नहीं जाऊंगा। सुन, बात समझ, इस समय पे सबसे अच्छा गिफ्ट है, ले ले। अरे ले। नहीं। अरे अमित, कहाँ जा रही थी जल्दी में, यहाँ आओ। जी। मम्मी, ये सब? अरे अच्छा हुआ तू आ गया, ये जरा सब चक्कर बता दे कैसा हुआ है। इतना सारा? हाँ, लेकिन इतना सब कुछ क्यों? अमिता ने नमकीन बनाने का कोई नया बिजनेस चालू किया है क्या? कुछ करने को नहीं है ना अमित, खाली वक्त में आपके जाने के बाद तो आप पहले कस्टमर है। ए, उसे परेशान मत कर, ये सब तेरी यूएस जाने के लिए है। मम्मी लेकिन इतना सारा, वहाँ पे सामान की ना कोई लिमिट होती। पैसे दे दो ना, वो सब एडजस्ट हो जाता है, मन नहीं सिखाड़ तू। लेकिन मम्मी वहाँ पर ये सब कोई नहीं खाता। अरे तू तो खाता है ना, ये सब तेरे लिए है और खबरदार दूसरे किसी को खिलाना मत। लेकिन बाप, बाप तो जाने दीजिए ना, अमित नहीं खाएंगे, वो तो सिर्फ पिज्जा खाएंगे ना वहाँ पर। नया देश, नए तौर तरीके, नए दोस्त, बिल्कुल उन्हीं की तरह। वो बात तो है, थोड़ा बदलना चाहिए अमिता, और वहां का हवा पानी एकदम अलग है। वहां की हवा तो आपको यहीं पे लग गई। मम्मी जी, ये भी यूएस जाने के लिए होगा, मैं इसे भी पैक कर देती हूँ। अमिता नहीं, हेलो, अमित तू ये लेकर जाएगा यूएस में, हुआ क्या है तुझे? ओ फरू भाभी, वो ये तकिया अमिता के लिए लाया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं खरीदता। मेरा दिल है, तुम
तुम जब भी इस पे सर रख के सोओगे तुम्हें सिर्फ मेरा नाम सुनाई देगा। इसे संभाल के रखना। वाह अमित शाह वाह, सरप्राइज गिफ्ट लो, मिल गया सरप्राइज। ये तो संजय ने लिया है प्रीति के लिए सरप्राइज। बस कीजिए अमित, और कितना झूठ बोलेंगे। लेकिन अभी अमिता को पता चल गया है तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। अब फिक्र मत कीजिए अमित, मुझे राज छुपाने आते हैं। किसी को भी अपने दिल की बात बताने में ना इतना वक्त नहीं लगा हो, हर वक्त नहीं मुसीबत। अब आप ही बताइए ना मैं क्या करूं, कोई तो दरवाजा खोलिए मेरे लिए। अमिता आज तो बोल ही दूंगा, प्रीति ने दिया है आपके लिए, आई लव यू। नहीं हाँ प्रीति ने दिया आपके लिए, क्या बोल रहा हूँ, नहीं संजय ने दिया आपके लिए। संजय ने क्यों देगा, नहीं संजय नहीं दे सकता, ऐसे बोलो नहीं हो रहा है। कम ऑन अमित शाह यू कैन डू इट। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। अमिता मैं आपसे बहुत 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 नहीं, आप ये तकिया नीचे गिर गया था, गिर जाता ना अब गंदा हो गया, देखिए साफ कर रहा था। जिसका तुझे इंतजार है वो रसोई में है। हाँ? ये ले तेरा शेविंग किट देने के लिए कहा था उसने, अपने सामान में रख ले। जी नानी 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 दो मिनट बैठिए ना। नानी एक बात पूछो, क्या अरेंज मैरिज में प्यार की कोई जगह होती? मेरा मतलब है कि लोग पहले प्यार करते हैं बाद में शादी, लेकिन जिनकी पहले शादी हो जाती है उन्हें बाद में प्यार होता है। तू कहना क्या चाहता है? आपकी और नाना जी की अरेंज मैरिज थी ना। हाँ, तो अब नहीं बस ऐसे ही। पर इसका मतलब ये नहीं कि तेरे नाना जी ने कभी प्यार जताया ही नहीं। हाँ नाना जी ने, ये तो मुश्किल है क्योंकि अरेंज मैरिज में तो नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ और कोई मौके की भी जरूरत नहीं होती है प्यार जताने के लिए, कभी कभी तो कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। वो कैसे? एक बार तेरे नाना जी शहर से कहीं बाहर जा रहे थे, जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हुई ना मेरी आंखें भर आई। तू यकीन ही नहीं करेगा तेरे नाना जी ने क्या किया। क्या किया? पूरा सामान हाथ में लेके चलती गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर कूद पड़े, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। फिर? अरे फिर क्या, फिर पैर में मोच आई और मेरे बापूजी ने दिया हुआ थर्मोस टूट गया। बस नानी थर्मोस को छोड़िए, आपकी और नाना के बीच में क्या हुआ ये बताइए। होना क्या था, बोले बस जाने को दिल नहीं कर रहा है चलो घर चलते हैं, बस हो गया प्यार का इजहार। बस बाप रे, प्यार के लिए हाथ पांव टूट जाते तो कौन करता है ऐसा। एक बार करके देख बड़ा मजा आता है, और तू कर भी सकता है। हाँ वैसे मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं प्यार नहीं, नहीं मुझसे ये सब नहीं होता। अरे अच्छा अब चल खाने के लिए, तो चल टेबल पर उतना तो कर सकता है ना। जी हमरा
अमित शाह, बोलना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पापा। बोलो। मैं यूएस नहीं जा पाऊंगा। क्या? क्यों? वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया और वहां पर इस वक्त जाना सेफ नहीं है। देखो ना, अखबार में भी आया। तूफान आया वहां पर? तुम यूएस नहीं जाने वाले, तुम्हारी ट्रिप कैंसिल। देखो बेटा, तूफान जैसे आता है वैसे जाता भी है। इसमें हमारा बिजनेस थोड़ी ना सफर होना चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अमित, तुम यूएस नहीं जाओगे, बस। जी हाँ, पर अमित, तूफान तो ईस्ट साइड में है ना, तुझे तो वेस्ट जाना है। तूफान को थोड़ी ना पता ईस्ट कौन सी है वेस्ट कौन सी है, वहां पर भी आ गया तो तुम नहीं जाओगे कहीं। अरे देखो बेटा, आंधी तूफान तो सारी कहने की बात है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जानो मारो बेसी जाने जमीले। पापा, अब क्या है? मैं आज क्लाइंट से बात कर रहा था। मैं यहाँ इंडिया में बिजनेस ला सकता हूँ, तो शायद यूएस की ट्रिप जो है कैंसिल करनी पड़े। देखो, ये सारे काम तो रोहन भी कर लेगा, वैसे भी आजकल सारे काम रोहन ही तो करता है। जी अमित, यूएस की ट्रिप को कैंसिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं ये कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ अमिता, कम से कम कुछ मदद तो कीजिए। और वैसे भी यूएस में आजकल बहुत ठंड है, पर आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे जुकाम जल्दी हो जाता है। अगर मैं 10 बार फ्रीज से कोई भी चीज़ निकालूं तो भी जुकाम हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के बाद अगर मैं चला जाऊं तो। ओह, आप यहाँ से जाने से पहले तलाक का काम खत्म करना चाहते हैं? अमिता, कुछ कहा आपने? नहीं तो। ओके। काका, लगता है कि अब अमित यूएस जाना ही नहीं चाहता। शायद अमिता से दूर रहना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। अभी नई नई शादी हुई है और अभी अभी अमित अमिता से इतना दूर जाएगा। जी, फिर तो बस अब एक ही काम हो सकता है। जी पापा, बोलिए ना, मैं करूंगा। हम अमिता को एक नया सा लेटेस्ट वेबकैम वाला लैपटॉप दिलवा देंगे, फिर दोनों रोज वीडियो चैटिंग करते रहेंगे। अमित बेटा, अब तो खुश हो ना? जी बहुत खुश। अमिता आ गई, मैं आपका वेट कर रहा था। वो ये पिल्लो प्रीति के लिए नहीं है। आपको सब पता है? मुझे सब पता। तो आपको ये पिल्लो अच्छा लगा? इतना अच्छा कि मैं इसे अपने बेड के आसपास भी नहीं देखना चाहती।
लेकिन ये तो देखिए अमित, मैं इस पिल्लो के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। ये कहां से आया, क्यों आया, कुछ भी नहीं। अमिता, रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। अमिताभ, ये तो लेडीज परफ्यूम है। अमिता को हो क्या गया? क्यों इस तरह से चिढ़ रही है? नेक्स्ट जूनियर प्लीज। Really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।